दोस्तों आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस पे कि ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसके उपचार क्या क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं और अब तक इससे कितने लोग ग्रसित हैं और कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वायरस क्या होता है। वायरस का अर्थ होता है विरॉन, दैट मीन्स पॉइजन यानी जहर। तो दोस्तों कोरोना वायरस भी हमारे लिए जहर का काम कर रहा है। एक्चुअली कोरोना वायरस से जानवरों में बीमारी होती है, परंतु चाइना के कुछ लोगों ने कोरोना वायरस से अफेक्टेड चमगादड़ का सूप पिया, जिसके कारण ये मनुष्यों में भी छींकने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से या किसी माध्यम से लोगों में फैलते जा रहा है और लगभग 70 देशों से अधिक देशों में ये वायरस फैल चुका है। और दोस्तों इसके बहुत मामूली लक्षण जो आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, खुजली, पेट दर्द। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और सलाह लें। दोस्तों ये समस्या अत्यंत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अब तक इसका उपचार संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इसका एंटीडोट या वैक्सीन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इस बीमारी से निजात पाया जा सके। दोस्तों कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम COVID-19 दिया गया है। कोरोना वायरस के कुल केस 96,951 हैं, जिसमें से 3,310 लोगों की जान जा चुकी है और 53,981 लोग रिकवर हो चुके हैं या कह सकते हैं ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस 39,660 हैं, जिसमें 33,238 माइल्ड कंडीशन में हैं और 6,422 सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में। अब तक के क्लोज्ड केस 57,291 हैं, जिसमें से 53,981 डिस्चार्ज हो चुके हैं या कह सकते हैं खतरे से बाहर हैं और 3,310 लोगों की जान जा चुकी है। तो अब बात करते हैं इसकी सावधानियों की। यात्रा करते वक्त मास्क जरूर पहने, किसी भी जुखाम या सर्दी से पीड़ित व्यक्ति का तुरंत इलाज कराएं, सांप, चमगादड़ एवं पक्षियों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद बिना हाथ को धोए अपने आँख को ना छुएं एवं खाना ना खाएं, बीमार लोगों से दूर रहें, सैनिटाइजर से हाथ धुलें एवं किसी व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं तो अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों से सावधान रहें तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास, अपने प्रियजनों के पास, अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और लोगों को अवेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।